आज की वीडियो हमारी जीमेल अकाउंट बनाने के बारे में है। सबसे पहले आपने ये जीमेल वाला जो लिखा हुआ है इस जगह पे, इसको आपने क्लिक कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं बना होगा तो वो आपको, जैसे आप जीमेल खोलेंगे तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरह करना है। अभी फ़िलहाल आपने, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपने ये गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट नहीं बना होगा तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे जाएंगे, जो अभी ये पेज खुल रहा है ना, चेकिंग इन्फो जो पेज लिखा हुआ, तो डायरेक्ट यहीं पर जाएगा। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर लिखी बनी हुई है, अकाउंट बना हुआ, इसलिए आपको पहले इन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर तो आपकी अकाउंट ऑलरेडी बना हो तो यहाँ पे आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। हमने क्योंकि आज नया अकाउंट बनाना है इसलिए हम जाएंगे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को हम यहाँ पे, इसके बाद ये दो ऑप्शन दे रहा है। पहला ये ऑप्शन दे रहा है फॉर माई सेल्फ और दूसरा ये दे रहा है टू मैनेज माई बिज़नेस। मैं आपको ये कहूँगा कि आप फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करें, क्योंकि जो बिज़नेस के अकाउंट होते हैं उसमें काफ़ी वेरिफिकेशन के जो मसले होते हैं वो पेश आते हैं, इसलिए आपने फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे वो पहला ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है और सेकंड पे आपने उसका सर नेम लिखना है, जो कि ऑप्शनल होता है। फ़र्स्ट नेम आप सब कुछ भी लिख सकते हैं, फ़र्स्ट करो जी मैंने लिख दिया अली लिख दिया मैंने, ठीक हो गया, ये मैंने अली लिख दिया। सर नेम आप इसका जी लिख दें, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट का ऑप्शन देंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आप जो आपकी ओरिजिनल होगी आपने वो लिखनी है, क्योंकि बाद में फिर बहुत मसले मसाइल आते हैं आपका जो वेरीफाई, इस पर आप कोई भी अकाउंट बनवाएंगे, यूट्यूब का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें फिर मसले होते हैं। आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, मैं कोई रैंडम ही मैं लिख देता हूँ कोई भी, ठीक हो गया, 1996 ले देता हूँ मैं। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आप अपनी अभी यूज़र आईडी लिखेंगे, यूज़र आईडी आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। उसमें आप सभी, मैंने फ़र्ज़ करें जी मैंने ये अली लिख लिया है 1 2 3 ये, अच्छा अभी ये इसमें मैंने गलती लिखी थी, गलती लिखने का वजह ये थी ताकि ये अभी बता रहा है कि दैट्स यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, मतलब इस नाम को ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका है, आप कोई और, अभी ये आगे और बता रहा है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, या जो उसने आपको बताया है ये नीचे वाले जो दो लिखे हुए हैं आप इन दो में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो ये मैंने एक रखी थी तो वो यहाँ पे इन्होंने अभी सिलेक्ट हो गई है, नाम मैंने रख लिया है। अभी आप इसका एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाएंगे, इस पासवर्ड में आपने इंग्लिश के फिगर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो और जो गिनती वाले फिगर्स हैं वो दोनों चीज़ें आपने इसमें रखनी होती हैं। अभी मैं इसका रख लेता हूँ 7 8 6 0 0 ABC, नेक्स्ट का ऑप्शन कर देता हूँ मैं। इसके बाद वो कह रहा है जी ऐड अ फ़ोन नंबर, आप इसको यहाँ पे अपना कोई फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर लगाने का ये मकसद होगा कि इसमें जी अगर आप इफ़ यू लाइक टू ऐड द फ़ोन नंबर तो इसमें आपको होगा क्या, रीसेट योर पासवर्ड, इफ़ आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा होगा तो अपने पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। रिसीवर वीडियो कॉल और मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं, मेक अ गूगल सर्विस इंक्लूडिंग एड्स मोर, आप गूगल पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इस पर चीज़ें होती हैं, मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ये मेरी आईडी अभी जो है वो बन चुकी है, ठीक है, ये आईडी बन गई है, ये नीचे इसका मुकम्मल लिखा गया है, ठीक है। इस तरह आपकी आईडी बन जाएगी, यहाँ पर आप इसका नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे, इसके बाद एग्री का ऑप्शन कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे अभी ये ओपन हो जाएगी, अभी इसको गूगल सर्विस जो है वो चेक कर रहा है। तो अभी ये देखें, ये सिंपली ये आपकी आईडी जो है ये बन चुकी है, ये यहाँ पे ठीक हो गया, ये आईडी आपकी बन गई है। इस आईडी को अभी आप खोल सकते हैं, इस आईडी को आप खोलेंगे तो ये आईडी यहाँ पे लग जाएगी, ये यहाँ पे लग चुकी है, ये देखें
ठीक है। अब इस आईडी से ही आप अपना मोबाइल जो है वो सारा इसका सेटअप जो है वो इसी आईडी के थ्रू होता है। आपका गूगल अकाउंट जो होगा, जो प्ले स्टोर होगा, और आपकी जो यूट्यूब पे जो आपकी चैनल बनेगा यूट्यूब पे, वो भी इसी आईडी के थ्रू बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल जो है वो आपने किस तरह बनाना है, ठीक हो गया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को दूसरे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल आईडी बनाने के बाद अपना यूट्यूब पे जो आईडी है वो किस तरह बनेगी, और यूट्यूब का जो चैनल है वो किस तरह बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।